नमस्कार। आने वाले हफ्ते में एग्री कमोडिटीज़ में क्या रुख रह सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। शुरुआत एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स से करते हैं। हमने देखा कि सोयाबीन में 5600 के नीचे के स्तर देखने मिले थे, लेकिन जो क्लोजिंग है वो 5700 के ऊपर देने में कामयाब हुआ है। ऐसा लगता है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव है ये जारी रहेगा और 5950 तक के दाम हमें आने वाले दो हफ्तों में देखने मिल सकते हैं और अगले हफ्ते 5880 तक के लेवल हमें देखने मिलेंगे। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म तेज़ी की संभावना है और एक शॉर्ट कवरिंग की मूव हमें सोयाबीन में देखने मिल सकती है। वहीं अगर रिफाइंड ऑयल की बात करें तो हमने एक बढ़िया मूव शुरुआती दिनों में पिछले हफ्ते के देखने मिला और जो 1285 से 1300 के सपोर्ट की बात मैंने पिछले कुछ समय से की थी, वहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट ले लिया है और अपसाइड में हमें अच्छे मूव्स देखने मिले थे पिछले हफ्ते। हालांकि जो क्लोजिंग है वो अपने हाई से थोड़ी नीचे दी है प्राइजेज ने, लेकिन आने वाले दो हफ्तों में 1310 से 1315 के रीजन में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा। उसके करीब अगर दाम मिलते हैं तो वहाँ से बाइंग पोजीशन दोबारा बनाई जा सकती है और अपसाइड में 1365 और उसके बाद 1380 तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। वहीं M6 CPO में भी जो इम्पॉर्टेंट स्तर था 1120 से 1110 के बीच में, वहाँ पर हमने प्राइस को सपोर्ट लेते हुए देखा है और ऐसा लगता है कि जो करंट अपसाइड मूव है वो कंटिन्यू हो सकता है और पिछले हफ्ते जो लेवल हमने देखे 1180 और 1195, ये दो लेवल हमें दोबारा देखने मिल सकते हैं। तो दोनों ही रिफाइंड ऑयल और CPO में बाइंग की संभावना बनी हुई है। वहीं M6 कॉटन में भी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी दाम अपसाइड चल रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में भी कॉटन की डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है और सप्लाई उतनी नहीं है, तो उसके चलते हमने लगातार प्राइस में तेज़ी आते हुए देखी है और हम देख रहे हैं कि लगातार 25,000 के लेवल से अब 30,000 के करीब पहुंच चुका है। आगे भी प्राइस बढ़ने की संभावना है। इमीडिएट तौर पर 30,600 और उसके बाद 31,200 के टारगेट लेके चला जा सकता है आने वाले दो हफ्तों के लिए। डाउनसाइड में 29,300 से 400 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर एक करेक्शन देखने मिले तो वहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है और 30,600 और 31,200 के टारगेट लिए जा सकते हैं। वहीं बिनौला खल में भी हमने देखा है कि एक स्टेबिलिटी या एक स्थिरता हमें प्राइसेस में दिख रही है और ऐसा लगता है आने वाले दिनों में 2700 तक के लेवल हमें देखने मिलेंगे। इसी वजह से जो भी डिप आती है 2400 या 2450 के बीच, वहां पर बाइंग पोजीशन जो निवेशक हैं वो बना सकते हैं और अपसाइड में 2700 तक के पोजिशनल टारगेट लेके चला जा सकता है। मसाला कॉम्प्लेक्स में हमने देखा कि धनिया ने 8,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी स्थिरता हमें देखने मिल रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम तेज़ी आते हुए देखें। इमीडिएट तौर पर एक हफ्ते के व्यू से 8,250 और पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 8,500 के स्तर हमें देखने मिल सकते हैं आने वाले दो से तीन हफ्तों के लिहाज से। कैस्टर सीड की बात करूं तो कैस्टर सीड ने 6,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी है और हम लगातार देख रहे हैं कि 5,800 के ऊपर सस्टेन हो पा रही है प्राइजेस। तो ऐसा लगता है कि ये जो मूव है ये एक दायरे का जो कारोबार है 6,250 और 5,900 का, ये कुछ और समय चलेगा लेकिन पोजिशनल बेसिस पे 6,600 तक के दाम हमें देखने मिल सकते हैं। तो बाइंग ऑन डिप की रणनीति अपनाई जा सकती है और पोजिशनली 6,600 का एक टारगेट लिया जा सकता है। वहीं जीरे में स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स में 14,600 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट ले सकते हैं, इसलिए जो भी डिप मिले वहाँ पर एक बाइंग पोजिशन बनाई जा सकती है। तो ये था एक जायजा कि एग्री कमोडिटीज़ में आने वाले कुछ दिनों में क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद।